हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल करंट स्टडी में। और आज हम लोग नारेशन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और हमने पिछले पार्ट में काफी कुछ आपको बताया है, हमने प्रेजेंट को पूरा बता दिया, आज हम पास्ट को बताएंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में ही चेंज किया जाता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में आएगा, वो तो आप जान ही रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगा तभी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। लेकिन अब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में आएगा तो कैसे उसको पास्ट में ही चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से अक्सर कंपटीशन में या TGT, PGT, NDS, KVS जो भी एग्जाम आती होती है उनमें, या यूपी बोर्ड में या यूपी का इंटर लेवल पे या हाई स्कूल पे ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे चलूंगा और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप चेंज करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो उसको हम कैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ज्यादा समय न लूंगा मैं आपका, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है और ज्यादा टाइम हो जाएगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, वीडियो भी लंबा नहीं करना है आपको, थोड़े समय में बता भी देना है। तो आइए चलते हैं, यहाँ हम रूल्स लिखेंगे। रूल फर्स्ट हो जाएगा आज, हम यहां लिखेंगे कि यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इनडिफिनिट टेंस हो तो, फ्रेंड्स मैंने यही लिखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इनडिफिनिट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो फ्रेंड किस में बदल देते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आए, किस में आए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पे, किसके जगह पे, कामा है और इन्वर्टेड कामा के जगह पे जाहिर सी बात हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन अभी डैट ही लग रहा है। और मैं पहले से बताता रह रहा हूं, बताता आया मैंने कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, यहां एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो पास्ट इंडिफिनिट का जो टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर आएगा कभी कभी, कभी कभी नहीं आएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया पास्ट इंडिफिनिट का। और जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट या सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ हेड लगा देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर जो भी आता है इधर आता रहता है। तो मेन तो यही है, इस बात को याद रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट में ये लगता है, इस बात को याद रखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट में यह लगता है, तभी तो हम बना सकेंगे। यदि ये बात याद नहीं हुई तो हम बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। जब भी एग्जाम में बैठेंगे, कंपटीशन एग्जाम में किसी भी, तो ये सेंटेंस यहाँ से हम गलत कर देंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल किसमें होगा, डायरेक्ट में होगा और एग्जाम्पल फर्स्ट होगा, आप ध्यान देंगे। मैं लिख दूं, रामा सेड टू मी, रामा ने मुझसे कहा, सेड
सीता प्लेट हॉकी इन द फील्ड। तो फ्रेंड्स हमने क्या लिख दिया, आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, रामा सेड टू मी। और ये जो जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो सेंटेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, वो भी पास्ट टेंस में है। लेकिन पहचानने की बात यह है कि पास्ट टेंस के किस टेंस में है, इंडिफिनिट में है, कंटीन्यूअस में है, परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। हम जानते हैं जबकि मैंने यहाँ लिख दिया, आप देखिए लिख दिया मैंने कि पास्ट इंडिफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाया है। और यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट और अदर आ गया है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट हुआ, इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिलीट करेंगे और यहाँ हम इनडायरेक्ट लिखेंगे। देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। तो ऑब्जेक्ट जब आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, चेंज कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, रामा टोल्ड मी, हमें क्या लिखा, रामा टोल्ड मी। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, कंजक्शन डेट लिखेंगे। सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लिख देंगे सीता, ये तो चेंज होगा नहीं। अब यहाँ प्लेट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जबकि हमें इसे चेंज करना किस में, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में एक ही सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, प्लेट का वर्ब प्लेट सेकेंड फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेट ही होगा। और बाकी हम लिख देंगे हमारा सेंटेंस क्या हुआ, बन गया। और हमें मिलता है कितना, जितना एग्जाम में नंबर इस पे डिसाइड होगा उतना नंबर हमें मिल जाएगा। तो मित्रों हमें इन बातों को विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तो हम इसको बना पाएंगे। यदि इस बातों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखकर फिर हम बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा राधा रूथ के लेटर इन्वर्टेड कामा क्लोज। हमने फिर एक सिंपल सेंटेंस दिया है, बिल्कुल हमने सिंपल सेंटेंस यहाँ लिख दिया, दे सेड वे कहे राधा रोट रोट, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। यदि आपको सेकंड फॉर्म याद है तो ही आप इस सेंटेंस में पकड़ अच्छी बना पाएंगे, नहीं तो आप फिर मिस कर जाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ दे लिख दिए सब्जेक्ट, और हम चेक करेंगे कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, है नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और सेट का हम क्या करेंगे, सेट ही लिख देंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। फिर हम यहाँ सब्जेक्ट राधा है, राधा को हमने लिख दिया। और यहाँ रूट सेकेंड फॉर्म है, जबकि राधा यहाँ एक वचन है, एक वचन हो या बहुवचन सहायक क्रिया हमारा है लग ही जाएगा। और राइट का सेकंड रूट का सेकंड थर्ड फॉर्म ये सेकंड है, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जब फर्स्ट फॉर्म होता है राइट और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, तो हम यहाँ रिटेन लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो मित्रों देखिए हमारा सेंटेंस बन गया, कितना आसानी से हमने इसको बनाया। उम्मीद है कि ये पूरी पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप स्वयं प्रैक्टिस करके जानिए, तभी तो आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा।
जब हम पूरा यहाँ बना ही देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, इसलिए आप इसको स्वयं प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, आगे हमें यही देखना है कि अब हम पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। किसको? यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा क्या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और उसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे आप चेंज करना है, क्या फार्मूला यूज होगा और क्या फार्मूला यूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे देखने वाले हैं, यही देखने वाले हैं कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे बदल देंगे। तो आइए देखते हैं, आप यहाँ रूल लिख लीजिएगा, जब भी आप कॉपी को फिल करें तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। हम यही लिखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, ऐसी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, क्या हो? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा वही जो मैंने आपको बोल के बताया, या तो आप आधा बोल के सुन लीजिए और फिर जो मैंने लिखा इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो बातें और फिर आप इसको प्रैक्टिकली बना लेंगे। मैंने लिखा यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट होगा जो डायरेक्ट में होगा और एग्जांपल में होगा। तो देखिए, सीता सेड टू यू, सीता ने आपसे बोला, सीता आपसे कहीं, राजू वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। हमने लिखा है कि सीता सेड टू यू, सीता आपसे बोली या सीता आपसे कही, राजू वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राजू गीत गा रहा था। और यहाँ देखेंगे जब वाज लग गया तो कंटिन्यूअस हो गया और इसमें आईएनजी लगा रही है। कंटिन्यूअस का रूल्स क्या होता है कि अंत में रहा था, रही थी, वर्ब के फर्स्ट टाइम में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर है इसलिए वाज और वर्ब के फर्स्ट टाइम में आईएनजी। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, हम क्या लिखेंगे, सीता, इनके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर यू लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और फिर हम सब्जेक्ट को लिख देंगे राजू, और फिर यहाँ आवाज को डिलीट करना है और किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और हाँ, आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड के साथ बीन का प्रयोग होता है और वर्ब का वही फर्स्ट टाइम में आईएनजी, तो आईएनजी लगा ही है और फिर ये सॉन्ग हो जाएगा और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
हम इसको बना दिया। आप देखें इसे ध्यान से, सीता तोड़ ली डेट कंजक्शन, हमने डेट लगा दिया कमेंट कामक हटा के, राजू हैड वाज के जगह पे हैड बिन कर दिया और बाकी ये सब वही है। सिर्फ हमने क्या किया, हमने वाज को यहाँ डिलीट किया, इनके जगह पे हैड और बिन को लिख दिया, बाकी वही सब चीज है। इस वर्ग के बाद ऑब्जेक्ट आया तो हमने टोल्ड कर दिए और कामा इनवर्ट कामा को हटा के हमने डेट लिख दिए। हमने कितने बदलाव किए यहाँ आप देखें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये दोनों एक साथ हैं। तीन बदलाव किए हमने, हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो इसी तरह से आपको भी प्रयास करना है। तो इन एग्जाम्पल को हम मिटा देंगे और फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, धैर्य बनाएंगे। एग्जाम्पल सेकेंड, यू सेड टू हिम, आपने उनसे कहा, राज वाज प्लेइंग गेम, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। हमने क्या लिखा, यू सेड टू हिम, आपने उनसे कहा, राज वाज प्लेइंग गेम, राज क्या कर रहा है, क्रिकेट या गेम खेल रहा है। तो हम आंसर में यही लिखेंगे जो इनडायरेक्ट में होगा, क्या लिखेंगे, यू इन्हें चेंज करेंगे, टोल्ड हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे, डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे राज हैड बीन प्लेइंग गेम पुलिस का। हमारा सेंटेंस क्या हुआ, बन गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इन वाक्यों को चेंज करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो जाता है और पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया है, ये मुझे पता है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे और वह चीज हम देखेंगे जो अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है और नौ याद होने की वजह से लोगों को यह परेशानी होती है और वह लोग गलती करके चले आते हैं। तो हम इन्हें इस तरह से देखेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि हम गलती नहीं करेंगे और हमारा एग्जाम में एक या दो नंबर जो है वो मिस नहीं होगा। तो इन्हीं को हम देखेंगे तो फिर इन्हें मिटाएंगे तो भी तो आगे लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हम वह चीज देखने वाले हैं, वह चीज को पढ़ने वाले हैं जो अक्सर पूछ लिया जाता है और बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको थोड़ा सा भूल जाता है और यही भूलने की जो आदत है हमें हर जगह मात दे देती है। हम कुछ नंबरों से या सेकेंड डिवीजन आ जाते हैं या कंपटीशन में कुछ नंबरों से हम सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो आइए इन चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें जो काफी इम्पोर्टेंट है और हम यूं कहेंगे कि इसको नोट्स में ही हम लिखेंगे हमेशा याद रखने के लिए, ध्यान देंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि याद रिपोर्टेड स्पीच में ने लिखा है, या दे रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो
स्किन डायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते समय इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा रिपोर्टेड स्पीच आएगा वैसे ही लिख देंगे। बस इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा कि टेंस किसका है। यदि इंडिफिनिट का हो जाए वैसे कि वैसे लिख दें तो गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस का हो या प्रेजेंट का हो या एनी थिंग्स किसी का हो तो यदि सेम वैसे लिख दिए तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिर्फ हमें यह पहचाना है कि दो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो ही हम उनको ज्यों का त्यों लिखेंगे, बाकी अन्य टेंसों का ऐसा नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हम देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम इन्हें बनाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट होगा और हम यहाँ फर्स्ट ही लिखेंगे। लेकिन किस में लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे और बनाएंगे। तो आइए चलते हैं और फिर लिख कर देखते हैं। You said to me, आपने मुझसे कहा, हरी हैड ऑन द मैच। मैंने यहाँ क्या लिखा, You said to me, आपने मुझसे कहा, हरी हैड ऑन द मैच। हरी मैच जीत चुका था, हरी क्या कर चुका था, मैच जीत चुका था। हमने यही लिखा और कुछ नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच यदि किस में आएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, इनमें कोई चेंजिंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैंने यहाँ लिखा है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने इसको मिटा दिया क्योंकि इसकी इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसे बनाते हैं। अब किसमें बनाएंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे। ऑलरेडी डायरेक्ट में तो है ही है, इनडायरेक्ट में बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखेंगे, यू टोल्ड मी। मैंने बार बार बताया कि टोल्ड हमने क्यों लिखा, पता है आपको, बताएंगे नहीं हम। और कमेंट और टिकामों को हटाने के बाद हमने क्या लिखा, डैट कंजक्शन के रूप में। और हाँ जी, ऑलरेडी हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ हैड है क्योंकि पास्ट है और ये चेंज होगा नहीं, तो इसको जिम करते हुए लिख देंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह हमारा सेंटेंस कंपटीशन लेवल पे या एनी किसी भी लेवल पे यदि इस तरह का चीज आता है तो सही हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी एनबीएस केबीएस यूपी टीजीटी पीजीटी जेएसएससी का दिल्ली का मैं सब पीजीटी वगैरह देखता हूँ, मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नारेशन से दो चार क्वेश्चन तो निश्चित आता है, चाहे वो किसी पीजीटी का एग्जाम हो। तो फ्रेंड हम ऐसे ही करेंगे और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। इससे पहले इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, हम इसे मिटा देते हैं और इसको आप वीडियो को पॉज करके या रोक के देख लें या लिख लें, ये आपकी मर्जी है।
तो डियर फ्रेंड्स, आप एग्जांपल देखेंगे कि मैंने एग्जांपल बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले मैंने सिर्फ हैड लिखा था और हैड बीन अब लिख दिया, क्योंकि अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें समय का होना निश्चित होना अनिश्चित होना पाया जाता है। यहाँ समय का निश्चित और अनिश्चित होना मैंने दिखा दिया और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर दिया, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो सेकेंड है, मैंने यही लिखा मैंने कि राधा सेट, राधा कही दे हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से एक लेटर लिख रहे थे। ऑलरेडी टाइमिंग का होना इसमें पाया गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह हो गया। तो इसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे, यहां से लेकर यहां तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कारण मैंने बताया आपको, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो यही कारण है। तो ज्यादा मत बुलवाइए मुझे, और इसको आप समझिए और स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। इसको तो आप स्वयं लिखिए, स्वयं बनाइए, क्योंकि इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, प्ले चेंज होगा नहीं, और हम यहाँ क्या करेंगे, ओवरफ्लो हो रहा है। कमांड हटा देंगे और कंडक्शन के लिए डायरेक्ट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ से हमने लिख दिया और यहाँ हमने राधा को लिख देंगे, राधा सेड कैट, और इन सभी चीजों को हम लिख देंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली बन जाएगा पूर्ण रूप से। इसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगी और आप अपने फ्रेंड्स और मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि जो लाल बटन है नीचे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।